देखिए, जैसे कि आप सबको पता होगा कि जो लिंडर अब नहीं रहे उनकी डेथ हो गई है कल रात, और पूरा पीछे वाली वीडियो मैंने आपको बताया भी था। लेकिन अब एक बहुत बड़ी बात सामने आ रही है कि जो जो लिंडर के फ्रेंड हैं उन्होंने यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो डाली है अपनी, और उसमें उन्होंने बताया कि मेन रीज़न क्या हो सकता है। और ये रीज़न मैंने आपको अपने पुराने वीडियो में बताया था, जिसे मैंने आपको बताया था एनरिज्म का इशू था। तो वो उसमें वीडियो में उन्होंने ये बताया है कि अभी जो लिंडर 1 महीने US रह के आए थे, और जब वो US से थाईलैंड आ रहे थे तो थाईलैंड से US से थाईलैंड के बीच में ना 19 घंटे का फ़र्क है रास्ता है, मतलब वहाँ से आने में। तो ड्यूरिंग उसी बीच उनके नेक में ये एनरिज्म वाला इशू क्लॉट बन गया था। लेकिन एक तो टाइम बहुत ज़्यादा था, 19 घंटे, और 19 घंटे में उन्हें कुछ मतलब मेडिकल वो मिल भी नहीं सकता था, और उन्हें इतना फील भी नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि नॉर्मल स्प्रेन या स्ट्रेन होगा तो वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि वर्कआउट करते रहते हैं तो उसकी वजह से वो ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर वो 19 घंटे बाद यहाँ थाईलैंड उतरे, और थाईलैंड उतर के उन्होंने बताया भी था कि उनके नेक में एक सीवियर पेन हो रहा है, मतलब बहुत एक शार्प पेन हो रहा है। लेकिन उन्होंने खुद ही इस बात पे इतना ध्यान नहीं दिया और डॉक्टर के पास नहीं गए, वो मसाज लेते रहे ताकि उन्हें लगा कि ये वर्कआउट से रिलेटेड इशू है तो ठीक हो जाएगा, स्प्रेन या स्ट्रेन होगा तो ठीक हो जाएगा। लेकिन इग्नोर करने की वजह से उन्हें ये बात पता ही नहीं चल पाई कि वो क्लॉट कोई नॉर्मल क्लॉट नहीं था, मतलब ये उनकी जान ले लेगी। और लास्ट जो टाइम था वो उस टाइम अपने मतलब गर्लफ्रेंड के साथ थे, और उनकी गर्लफ्रेंड बताती है कि सब कुछ एकदम अचानक हुआ, मतलब वो लोग बैठे हुए थे और सडन उन्होंने बोला कि उनके नेक में बहुत तेज़ पेन हो रहा है और वो गिर पड़े। तो जो उनकी गर्लफ्रेंड है उन्होंने सबसे पहले उनके फ्रेंड्स को कॉल करा, और उन्होंने जॉन को फ़ोन करा, और जॉन आए वहाँ पर और उन्होंने CPR परफॉर्म किया। लेकिन उन्हें जैसे जहाँ तक वो कर सकते थे उन्होंने उन्हें बचाने की कोशिश की, और उसके बाद उन्होंने एम्बुलेंस को फ़ोन किया, मतलब कॉल तो उन्होंने पहले कर दिया होगा। देखिए, मेन यही सबसे बड़ा इशू हो गया कि जो एम्बुलेंस थी वो आधे घंटे से ज़्यादा लेट आई, मतलब इंडिया तो छोड़ा बाहर भी यही हाल है। तो मेरे ख्याल से वो जो 30 मिनट या 40 मिनट थे उसमें अगर वो टाइम से हॉस्पिटल पहुंच जाते तो मेरे ख्याल से वो बच सकते थे। और जब जॉन एम्बुलेंस में गए तो एम्बुलेंस में उनको CPR दे के जैसे तैसे वो जिंदा रखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब हॉस्पिटल पहुंचे तो पता चला कि इनकी डेथ हो चुकी है। तो ये बहुत बड़ा इशू था एक। देखिए, इनके फ्रेंड थे तो इनके फ्रेंड को कुछ ना कुछ तो पता होगा, और अगर वीडियो डाली है तो कुछ ना कुछ सच्चाई होगी। लेकिन मेन रीज़न के लिए हमें अभी भी ऑटोप्सी का वेट करना पड़ेगा कि कब ऑटोप्सी आती है, क्योंकि इतनी जल्दी नहीं आने वाली रिपोर्ट्स। तो तब तक के लिए माना जा सकता है कि हाँ ये रीज़न हो सकता है, और ऑटोप्सी में भी मेरे ख्याल से यही है। तो ये इशू है। तो और मैं सुबह मैंने आपको बताया था वीडियो में कि यार जो भी अगर साइकिल पे है, ऑन साइकिल है, तो आप किसी प्रोफेशनल के अंडर हमेशा साइकिल स्टार्ट करें अपना, और पूरे महीने मतलब 12 महीने आपको साइकिल पर रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको कोई मतलब नहीं है किसी को दिखा के, मतलब आप किसी को लोगों को शो कर रहे हो कि हाँ भाई मेरे 6 पैक ऐब हैं या फिर इतनी लीन बॉडी है। अगर आप सोच रहे कि ये शो करके आप प्रो बन सकते हो तो ऐसा गलत है, ये आपकी थिंकिंग गलत है। आप ऐसे में सिर्फ और सिर्फ अपनी जान के साथ खेल रहे हो। हाँ, इतना फिट रखें कि हाँ अपना डेली लाइफ प्रॉपर आप इंजॉय कर पाएँ, और इतना लीन रखने की कोशिश ना करें कि बॉडी में इतने बड़े बड़े इश्यूज़ क्रिएट हो जाए और आपको पता ही ना चले। और कुछ भी इश्यू होता है तो आप सबसे पहले डॉक्टर से कंसल्ट करें, खुद ही डॉक्टर बनने की ज़रूरत नहीं है। बाकी सॉरी इस लॉस के लिए, और आप लोग भी कोशिश करें कि जितना हो सके अपना प्रॉपर टेस्ट करवाते रहें, हेल्दी खाएं, हेल्दी रहें, और अगर आप साइकिल पे भी हैं तो किसी प्रोफेशनल के अंडर लें और उन्हें भी बताएं कि हाँ मेरे साथ यही इशू है, अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप उन्हें ज़रूर बताएं।